सो स्टूडेंट, दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सीडी फार्मूलाज। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, बड़े ध्यान से देखना है। सो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉस ए प्लस कॉस 120 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस ए। सो सबसे पहले मैं इन दोनों के ऊपर सीडी फार्मूला लगाऊंगा कॉस, और आपको पता है कॉस सी प्लस कॉस डी विल बी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, सो दिस विल बिकम कॉस ए। ये मैं सी मान रहा हूँ, इसको डी मान रहा हूँ, तो दैट विल बिकम 2 कॉस सी प्लस डी 120 माइनस ए प्लस 120 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, एंड कॉस सी माइनस डी 120 माइनस ए माइनस, जब बाहर माइनस है तो दोनों साइन चेंज, माइनस 120 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट, माइनस माइनस कैंसल, ये कैंसल, तो कॉस ए प्लस 2 कॉस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 40, ये कैंसिल हुआ, ए ए माइनस ए से कैंसिल हुआ, तो 240 बाई 2, 240 बाई 2 मीन्स 120, करेक्ट। सो 120 आ गया, एंड हेयर इज द कॉज, माइनस ए माइनस ए माइनस 2 ए, 2 कैंसिल हो गया माइनस ए। और आपको बेटा पता होना चाहिए जो कॉज माइनस थीटा होता है इसको हम लेते हैं कॉज 0 माइनस थीटा, है ना, तो कॉस थीटा ही आता है, और ये जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो दिस विल बिकम कॉस ए प्लस 2 कॉस 120 और ये कॉस ए ही रहेगा। अब बड़ा ध्यान से देखना जरा, आपके पास ये जो कॉस 120 की वैल्यू हमने कल भी सॉल्व किया था, दोबारा से सॉल्व करते हैं। कॉस 120 की वैल्यू होगी कॉस 90 प्लस 30 थीटा, तो 90 प्लस थीटा कॉस बन जाएगा साइन थीटा, 90 प्लस माइनस होता है तो कॉस टू साइन, साइन टू कॉस हो जाता है। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस 120 की वैल्यू जो है वो माइनस 1/2 आ गई। सो दिस विल बिकम कॉस ए प्लस 2, ये माइनस 1/2 इंटू कॉज ए, ये बच्चे 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू विल गेट, कॉज ए माइनस कॉज ए, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, क्योंकि हमें प्रूव यही करना था, इज इक्वल टू 0, करेक्ट जी। बेसिकली कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इस क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, दिस इज अनदर क्वेश्चन, साइन अल्फा। अब इसमें मैं एक काम कर रहा हूं, देखो साइन 9 लगना तो सीडी फार्मूला है, सीडी होता है सी प्लस डी, अगर 9 अल्फा को आप अगर आप जहां तो पहले दो के ऊपर लगाओ, या सेकंड थर्ड के ऊपर लगाओ, या फर्स्ट थर्ड के ऊपर लगाओ। अब मैं, मेरी चॉइस है, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड के ऊपर लगा रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि 9 अल्फा प्लस अल्फा हो जाता 10 अल्फा, तो बाई 2 5 अल्फा, तो 5 अल्फा कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूँ साइन 9 अल्फा, मैं पहले इसको, क्योंकि बीच में प्लस है, जिसको मर्जी आगे पीछे लिख सकते हैं, तो कॉस 9 अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, साइन 9 अल्फा ये मैं पहले लिख रहा हूँ, कॉस सॉरी साइन अल्फा और साइन ऑफ 5 अल्फा मैंने एक साइड में रख दिया, तो कॉस 9 अल्फा नीचे भी ऐसे कर रहे हैं हम, एंड प्लस कॉस अल्फा एंड कॉस 5 अल्फा। अब आपको पता है कि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो होता है वो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, और साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है, और कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फार्मूला होता है ये हम ऑलरेडी भी यूज़ कर चुके हैं आज ही, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. So I am going to apply these formulas here.
So I will apply here and here first. So what you will get? Sine C plus D. Sine 9 alpha plus alpha by 2 and cos. Sorry, यहाँ पे sine cos होता है. ये दोनों cos होते हैं, ये sine cos होता है. जिसमें माइनस होता है cos पहले होता है, sine बाद में होता है. This is basically cos. Correct. So cos 9 alpha minus alpha upon 2 plus sin 5 alpha. यहाँ पे अप्लाई किया cos C plus cos D. So 2, ऐसे 2 भी आएगा. 2 cos C plus D by 2 cos C minus D. Cos C minus D means 9 alpha minus alpha. 9 alpha minus alpha. Correct. Upon 2. और plus cos 5 alpha. बड़े ध्यान से देखना है आपने. ये 2. ये 9 alpha plus alpha 10 by 2. आ गया sin alpha, sin 5 alpha. Correct. ये 9 alpha minus alpha. ये आ गया जी 4 alpha by 8 alpha by 2 4 alpha आ गया. तो cos 4 alpha plus sin 5 alpha. Now here will be cos 5 9 plus 1 10 10 by 2 5 alpha. यहाँ पे cos 4 alpha plus cos 5 alpha. If you will see this numerator and denominator, यहाँ पे sin 5 alpha sin 5 alpha numerator से common है और cos 5 alpha और cos 5 alpha denominator से common है. So you will get it common. Numerator से sin 5 alpha common निकला. हमारे पास रह गया 2 cos 4 alpha plus 1. Denominator से cos 5 alpha common निकला. 2 cos 4 alpha plus 1. तो ये हमारे पास cancel हो गया. Sin 5 alpha upon cos alpha is equal to tan 5 alpha. Is equal to right hand side. Correct. So hence proved. क्योंकि हमें यही prove करना था tan 5 alpha. इस question में आपको ये चीज given है और आपको ये prove करना है. अब इसमें आप lower classes के अंदर एक concept याद करते रहे हो, use करते रहे हो, जिसको बोलते हैं componento and dividendo. ये ratio and proportional का concept होता है. तो वो प्रपोर्शन क्या होता है कि अगर मेरे पास a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ये रेशियो है. तो अगर आप a न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेक्शन कर देते हो और डिवाइडेड बाय ऐसे कर देते हो, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो. नीचे सेम ही रखना है. अगर आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हो लेफ्ट में भी और राइट में भी, डिनोमिनेटर वैसा रखते हो न्यूमिनेटर में ले देते हो, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो. मैं लिख के भी दूंगा. तो अगर आप ए और ए माइनस बी और सी ऊपर रख देते हो, सी माइनस डी अगर माइनस कर देते हो, तब भी ये सेम ही होती रेशियो. इसको बोलते हैं डिविडेंडो. तो अगर आप दोनों लिख सकते हो, मतलब ऊपर प्लस कर दो नीचे माइनस कर दो, ऊपर प्लस कर दो नीचे माइनस कर दो, this concept is known as a componendo or dividendo. तो रेशो फिर भी सेम ही रहेगी. ये आप लोअर क्लासेस के अंदर फिफ्थ सिक्स क्लास में आपने किया होगा इसको. तो आई एम गोइंग टू यूज दिस वन. कैसे कि गिवन क्या है हमें? गिवन दैट, ध्यान देना, cos theta plus 2 alpha is equal to m cos theta. मैं क्या कर रहा हूं कि 1 अपॉन, करेक्ट, ध्यान देना जरा, मैंने ये m इधर ले आया हूं 1/m और ये cos थीटा, ये मैं इधर ले आया हूं थीटा प्लस 2 अल्फा. करेक्ट.
एक्चुअली पैटर्न देखो ना, हमें जो प्रूव करना है वो करना है वन प्लस एम और वन माइनस एम। यहां से देखकर मैं ये सोच रहा था कि इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हैं। तो जैसे वन अपॉन एम है तो ये ऊपर ऐड करेंगे नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन प्लस एम और वन माइनस एम आ जाएगा। आगे क्या बनेगा इधर वो अपने आप देखेंगे। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई, सो देयर फॉर अप्लाइंग बाय, यू कैन से बाय कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये मैंने बता दिया दिस इज द कंपोनेंडो एंड इफ दिस इज गिवन। तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट वन प्लस एम वन माइनस एम, एक साइड में नहीं कर सकते दोनों साइड करना पड़ेगा, देन इट विल बी इक्वल। सो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टू अल्फा एंड कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस टू अल्फा, करेक्ट। ये तो हमें चाहिए एज इट इज, इसको तो हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, कर भी कुछ नहीं सकते। यहां पे हम सीधी फार्मूला लगा सकते हैं। तो आपको पता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू एंड साइन सी सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी का कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला है वो दो फार्मूले हैं, एक में तो माइनस बार रहेगा तो साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, एक में माइनस बार नहीं रहेगा तो कॉस सी प्लस डी बाई सॉरी साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू। तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँ, मुझे माइनस नहीं चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा जी ऐसे रहेगी वन प्लस एम वन माइनस एम, करेक्ट। सो राइट हैंड साइड में यहां पे इसको मैं सी इसको मान रहा हूं क्योंकि बीच में प्लस है, अब किसको मर्जी इसको सी मान रहा हूं इसको डी मान रहा हूं, तो सी ऐसे डी है, तो दैट विल बी टू कॉस सी प्लस डी बाय टू एंड कॉस सी माइनस डी बाय टू डिनोमिनेटर में। अब ये सी है ये डी है क्योंकि अब इसमें चेंज नहीं कर सकते बीच में माइनस आ गया, तो मैं ये अप्लाई करूंगा ये वाला फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाय टू एंड साइन डी माइनस सी, डी पहले लिखेंगे थीटा प्लस टू अल्फा माइनस थीटा बाय टू, करेक्ट। ये मैंने अप्लाई कर दिया फार्मूला राइट हैंड साइड में। पहली बात तो ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा, ये थीटा प्लस थीटा टू थीटा आ गया प्लस टू अल्फा, टू कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया जी कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये आ गया जी कॉस टू से टू कैंसिल हो गया अल्फा रह गया, ये आ गया जी साइन थीटा प्लस थीटा टू थीटा, टू दोनों में से कॉमन है अल्फा में से टू नीचे कैंसिल हो गया थीटा प्लस अल्फा रह गया साइन, ये टू से टू कैंसिल हो गया यू हैव अल्फा, करेक्ट। बड़े ध्यान से देखना, तो मैं क्या कर रहा हूँ ये वन माइन प्लस एम और वन माइनस एम। देखो जो आपको चाहिए ना वो भी आप थोड़ा दिमाग में रखना, सबके चलना पड़ेगा। ये थीटा प्लस अल्फा राइट हैंड साइड में जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सिर्फ अल्फा रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये साइन जो है उधर चला गया, साइन ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा प्लस अल्फा, और ये जो कॉज है ये डिनोमिनेटर में आ गया राइट दूसरी साइड में कॉज थीटा प्लस अल्फा, और ये कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा होता है कॉट अल्फा। And now what you will do? So this implies 1 plus m, 1 minus m, sine over cos tan, tan theta plus alpha is equal to cot alpha. This is the proof, hence proof.
So today I'm going to another I'm going to give the list of the multiple and sub multiple angles, you can say formulas. So सबसे पहला formula वो है sin 2a का. sin 2a ये angle है. इसके हमारे पास दो formulae हैं basically. एक है sin cos के अंदर और एक है हमारे पास सिर्फ टेन के अंदर. तो बड़े ध्यान से देखना आपने, करेक्ट. देखिए यह है टू साइन ए कॉज ए, ओके. इसका जो दूसरा फार्मूला है साइन का इन टर्म ऑफ टेन, ठीक है जी, वो फार्मूला है टू टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए, करेक्ट. अब इसका दूसरा साइन कॉस टू ए का, कॉस टू के बेसिकली चार फार्मूले हैं. पहला फार्मूला कॉस टू ए का बेसिक फार्मूला कॉस के रे माइनस साइन के रे. दूसरा फार्मूला है अगर प्योर कॉस में कन्वर्ट करना टू कॉस के रे माइनस वन. तीसरा फार्मूला है वन माइनस टू साइंस के रे. चौथा फार्मूला टेन में है दैट इज वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए. ये मेरे पास कॉस के चार फार्मूले हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल यूज. थर्ड दैट इज टेन टू ए. टेन टू का देर इज ओनली वन फार्मूला टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए. देखो साइन टू के नीचे यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर, बाकी सारा फार्मूला सेम है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, करेक्ट. तो ये हमारे पास टू ए वाले फार्मूले हैं साइन का कॉस का टेन का. अब इसमें इन फार्मूलों में एक खास चीज है कि अगर मेरे को ये फार्मूला यूज करना है जितना भी ये एंगल है उसका यहाँ पे हाफ है. देखो चाहे आप ये फार्मूला यूज करो चाहिए 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 ये. अगर मान लो जी आप साइन टू ए के हो तो आप लिख रहे हो टू साइन ए कॉज ए. तो अगर यहाँ पे साइन ए हो तो इसको भी यही फार्मूला यूज करना था, जो भी यहाँ एंगल है उसका यहाँ हाफ, तो टू साइन ए बाई टू कॉज ए बाई टू ऐसे लिखेंगे. अगर मान लो साइन फोर ए होता तो मैं उसको यूज करता टू साइन टू ए एंड कॉस टू ए, उसका हाफ कर देना. यहाँ पे तो टू ही रहेगा पर यहाँ पे इसका हाफ, यहाँ पे इसका हाफ, ये आपको ध्यान रखनी है. और दिस थिंग यू विल अप्लाई इन द कॉस आल्सो और टेन आल्सो और इन एनी ऑफ द फार्मूला. ये तीन फार्मूले आपने टू ए के लिए यूज किए. नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी फार्मूला नंबर फोर दैट इज टेन थ्री ए और सॉरी साइन थ्री ए. साइन थ्री ए एंड ये फार्मूला नहीं, उसके लिए अलग फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, बता रहा हूं आपको. कॉस थ्री ए, इसके लिए याद करना बड़ा सिंपल है. इसके लिए पैटर्न याद रख लीजिए, जो थ्री ए है साइन वो 34 है और जो कॉस थ्री ए है 43 है. इसका मतलब क्या हुआ, साइन का रिजल्ट साइन में, कॉस का रिजल्ट कॉस में, बीच में माइनस, जहां पे 4 है उसके साथ साइन का क्यूब, यहाँ पे 4 है. दिस विल बी द फार्मूला. तो याद करना बड़ा सिंपल है, 34 लिखो 43 लिखो, कॉस का रिजल्ट कॉस में, साइन का रिजल्ट साइन में, जहां पे 4 है उसके साथ क्यूब लिखते हैं. तो दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन 3a और कॉस 3a. नाउ सिक्स्थ फार्मूला टेन 3a. टेन 3a का फार्मूला 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए. ये हमारे पास टेन का फार्मूला है थ्री ए का, करेक्ट. तो ये फार्मूले आपको पर्टिकुलरली आने चाहिए. इसी फार्मूले के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी. ये आपका एंड लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का.
तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करने जाएंगे। अब दो फार्मूले और हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं जब वन प्लस कॉज और वन माइनस कॉज की बात करते हो। देखो आपको ध्यान से देखना इन दो फार्मूलों को मैं यूज करके, एक अलग से बड़ा यूजफुल है क्योंकि मैनी टाइम्स यू विल सी दिस वन, कि अगर वन माइनस कॉज टू ए का वैल्यू और वन प्लस कॉज टू ए की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हम निकालना सिखाऊंगा मैं कैसे। देखो कॉज टू ए के, एक तो कॉज के अंदर फार्मूला है, कॉज टू ए का प्योर साइन में फार्मूला है। तो देखो जरा, अगर मैं कॉज टू ए को कॉज के अंदर लिखता हूँ, ये टू कॉज स्क्वायर ए माइनस वन, ये माइनस वन अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉज टू ए, तो दैट विल बी टू कॉज स्क्वायर ए। तो ये सेपरेटली भी याद रख सकते हैं, तो वन प्लस कॉज टू ए क्या होगा, टू कॉज स्क्वायर ए। अगर मैं कॉज टू ए का फार्मूला वन माइनस ये फार्मूला यूज करता हूँ, तो इसको आप इधर ले जाइए, इसको आप इधर ले आइए, तो आपके पास बन जाएगा वन माइनस कॉस टू ए इज इक्वल टू टू साइंस कह रहे, तो वन माइनस कॉस टू ए इज टू साइंस कह रहे। तो ये भी आप सेपरेटली याद रख सकते हो, ये मॉडिफाइड फार्मूला है, ड्राइव्ड किए हैं हमने इन दोनों फार्मूलों से, पर ये भी काफ़ी यूजफुल है, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट। तो ये फार्मूला के बेस, ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, सिक्स फार्मूला। देखो छोटा सा क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि हमारे को इफ साइन थीटा की वैल्यू वन बाय रूट फाइव है तो फाइंड साइन टू थीटा, और साइन टू थीटा का फार्मूला अभी किया हमने साइन के अंदर, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू तो है पर कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाय सॉरी वन होता है, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू वन बाय रूट फाइव है तो इसका स्क्वायर, तो ये होगा जी प्लस माइनस वन प्लस सॉरी वन माइनस वन बाय फाइव, ये एलसीएम फाइव माइनस फोर तो प्लस माइनस रूट फोर बाय फाइव, रूट फोर होता था टू, तो टू बाय रूट फाइव आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू साइन थीटा की वैल्यू वन बाय रूट फाइव और कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस टू बाय रूट फाइव, तो ये आ गया जी प्लस माइनस टू इंटू टू फोर और रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज का फाइव, सो दिस विल बी द आंसर।